नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वर्मा। तो दोस्तों, ये जो मॉड्यूल है मार्केट में अभी नया आया है, और यहाँ पर जो है ये देखिए, इसका जो बैक साइड है इस तरीके से है, और यहाँ पर जो फ्रंट है इसका ये इस तरीके से है, देखिए। और यहाँ पर जो है हम इसको पूरा टेस्ट करेंगे, और यहाँ पर जो है बहुत भाई ये कन्फ्यूजन में रहते हैं कि यहाँ पर तो हमारे स्पीकर लगेंगे और यहाँ पर हमारी बैटरी लगेगी जो प्लस और माइनस लगेगी, लेकिन यहाँ पर वोल्टेज हमें कितना देना है। यहाँ पर ये बहुत भाई कंफ्यूज रहते हैं कि हमें यहाँ पर लिथियम बैटरी से चलाना है या यहाँ पर हमें 12 वोल्ट देना है या 9 वोल्ट देना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे आसान तरीका है इस मॉड्यूल को आपको चेक करने के लिए, मैं आपको अभी यहाँ पर दो मॉड्यूल दिखाता हूँ, दोनों मॉड्यूल में आपको फर्क दिखाता हूँ कि कौन सा मॉड्यूल कितने वोल्टेज पे आप ऑपरेट कर सकते हैं, वो आपको पता लग जाएगा। और देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए, ये वाला जो मॉड्यूल है ये अब मार्केट में इस तरीके से आया है कि इसमें क्लास डी एम्पलीफायर भी लगा हुआ है, और यहाँ पर जो है आपको मॉड्यूल भी यहाँ पर साथ में मिल जाता है। तो यहाँ पर जो है कि इसका जो साउंड है वो काफ़ी अच्छा होता है। पहले मार्केट में आपको इस तरीके से मिलते थे, यहाँ पर दो आईसी लगी हुई रहती थी और यहाँ पर आप स्पीकर लगा सकते थे। तो ये देखिए, दोनों मॉडल दिखने में एक जैसे हैं। अब यहाँ पर आप ये कैसे पता करेंगे कि इसके अंदर जो है वोल्टेज कितना देना होगा। अब यहाँ पर देखिए, जहाँ पर हमारा बैटरी का कनेक्टर लगेगा रेड वाले पे, अब यहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ है 10 वोल्ट का, ये देखिए 10 वोल्ट का लगा हुआ है। तो यहाँ पर वोल्टेज देना है हमें 5, यानी कि ये जो मॉड्यूल है ये 5 वोल्ट के अंदर है। तो इसको तो साइड कर देता हूँ। अब यहाँ पर ये नया मॉड्यूल है, अब यहाँ पर जो ये हमारा रेड वाला लगा हुआ है, अब यहाँ पर देखिए जो कैपेसिटर यहाँ लगा हुआ है ये लगा हुआ है 35 वोल्ट का, ये देखिए 35 वोल्ट लगा हुआ है। और यहाँ पर जो डाइबोर्ड से देखिए पॉजिटिव जा रहा है, पॉजिटिव से डाइबोर्ड, और डाइबोर्ड से होने के बाद फिर यहाँ पर भी 35 वोल्ट का लगा हुआ है। तो यहाँ पर इस मॉड्यूल को हमें देना होगा 12 वोल्ट। ये मॉड्यूल जो है हमारा 12 वोल्ट से ऑपरेट होगा और 5 वोल्ट से ये ऑपरेट नहीं होगा। तो अब चलते हैं इसकी टेस्टिंग की, और इसकी टेस्टिंग भी आपको दिखाता हूँ मैं, इसका जो साउंड है वो कैसा है। तो यहाँ पर हम देखिए, इसके लिए हम यहाँ पर दो स्पीकर ले लेते हैं। ये हमारे पास दो स्पीकर है 10-10 वाट के, ये देखिए 3 इंची के स्पीकर है। और सबसे पहले हम स्पीकर के कनेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पर ये हमारे स्पीकर के कनेक्शन हो गए, और इसके अंदर आप जो है 20-20 वाट तक के स्पीकर चला सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्पीकर भी चला सकते हैं, सबवूफर भी चला सकते हैं, लेकिन 20 वाट का होना चाहिए। तो ये दो कनेक्शन हमने कर दिए। यहाँ पर देखिए स्पीकर हमारे लग चुके हैं, और यहाँ पर मैंने एक लिथियम बैटरी ले लिया 12 वोल्ट का। वोल्टेज मैं आपको चेक करा देता हूँ पहले, कहीं बहुत से भाई ये ना कहे कि आपने वोल्टेज चेक नहीं कराया। तो ये देखिए, ये हमारा मीटर है, मीटर पे मैं आपको वोल्टेज चेक करा देता हूँ, इसमें जो वोल्टेज है वो कितनी आ रही है इस समय। तो यहाँ पर देखिए, इसके अंदर वोल्टेज आ रही है हमारी 11 पॉइंट, यानी कि 11 वोल्टेज आ रही है इसके अंदर। तो यहाँ पर आप देखिए, इसी से ही मैं टेस्टिंग करूँगा। तो ये कनेक्टर जो है, कनेक्टर हम इसमें लगा देते हैं। ये देखिए, ये हमारा कनेक्टर लग गया, मॉड्यूल ऑन हो गया। और ये रहा हमारा मेमोरी कार्ड, इसको लगा लेते हैं, ये देखिए। और इसका जो साउंड है वो काफी अच्छा है, देखिए।
Thank you.